दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सिविट क्रिएशन में। दोस्तों, कई बार चीजें उतनी कठिन नहीं होती है जितनी कि हम उसे समझते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है कुछ इसी को परिभाषित करती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे महान सम्राट से जुड़ी कहानी देखेंगे जिसने अपने साहस, दृढ़ संकल्प व कड़ी मेहनत के दम पर एक साधारण व्यक्ति से सम्राट तक का सफर तय किया। जी हाँ दोस्तों, तो वो कोई और नहीं, महान फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट थे। दोस्तों, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त सन 1769 में अजैक्सियो नाम के आइलैंड पर हुआ था, जो कि कॉर्सिका में स्थित है। दोस्तों, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशे से एक वकील थे, और उनकी माता का नाम लेटिजिया रोमालिनो बोनापार्ट था। दोस्तों, नेपोलियन ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। अपने जीवन काल में नेपोलियन ने कई असंभव जैसे दिखाई देने वाले कार्यों को किया था। दोस्तों, तो आइए नेपोलियन के व्यक्तित्व को एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, एक वक्त की बात है, नेपोलियन को किसी युद्ध के लिए अल्पस पहाड़ को पार करके जाना था। एक पहाड़ था, बहुत भारी था, विशाल था, उसका नाम था अल्पस। नेपोलियन के सिपाहियों ने अल्पस पहाड़ के बारे में तो सुना था कि उसे पार करना बहुत ही बड़ी बात है, नामुमकिन है। दोस्तों, जब नेपोलियन सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकले तो कुछ छोटी पर्वतों को पार करने के बाद एक बड़ा पहाड़ नेपोलियन व उनके सैनिकों के सामने दिखा। उस विशाल पर्वत को देखते ही सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा, क्या यही अल्पस पहाड़ है? नेपोलियन ने उत्तर दिया, नहीं, यह एक छोटा सा पहाड़, अल्पस पहाड़ तो इसके बाद है। दोस्तों, सैनिकों ने हिम्मत दिखाई और इस पहाड़ को पार करने के लिए आगे बढ़ गए। बहुत मुसीबतों के बाद जब नेपोलियन और उसके सैनिक पहाड़ पार करके दूसरी ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान ही है, पर्वत कहीं भी नहीं दिख रहा था। दोस्तों, यह सब देखकर एक सैनिक ने नेपोलियन से बोल ही दिया कि महाराज, अल्पस पहाड़ कहाँ है? यह तो सिर्फ खाली मैदान ही दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सिर्फ खाली मैदान ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इतना सब सुनने और देखने के बाद तो पता चल ही गया होगा शायद कि ट्विस्ट कहाँ पे था। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं। तो यह सुनकर जब वो जो सैनिक था इनसे पूछा कि पहाड़ कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ खाली मैदान ही दिखाई दे रहा है, तो यह सुनकर नेपोलियन ने बोला, अल्पस पहाड़ हम पार कर चुके हैं, अब कोई पहाड़ नहीं है, जो पिछला पहाड़ हमने पार किया वह कोई और नहीं, अल्पस ही था। दोस्तों, यह कहानी हमें एक अद्वितीय नेतृत्व कुशलता की शिक्षा देती है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि कई बार चीजें उतनी कठिन नहीं होती जितनी हम समझते हैं। कई बार हमारा मस्तिष्क ही, हमारा दिमाग ही हमें कार्यों को करने से रोकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।